हेलो स्टूडेंट्स, लैंड 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जीके जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा P1 से लेकर P7 तक की क्लासेस अपलोड की गई हैं, तो ये आपके EMRS के जीके जीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EMRS मतलब चाहे आप प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे PGT TGT, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, लैब अटेंडेंट, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है जीके जीएस वाला सेक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा हमारी M1 से लेके M9 तक हम इसमें लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, तो जिसने ये सीरीज नहीं देखी वो इसको भी देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो कोई टेस्ट देना चाहे तो वो टेस्ट में भी एनरोल कर सकता है। अभी भी आपके पास मौका है एग्जाम में और ज़्यादा नंबर लाने का, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है उसको एनरिच करें, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको टेस्ट करके देखें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हमारा ही टेस्ट लें, आप कहीं से भी अपने किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आपने जो अभी तक तैयारी करी है उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर 8118116110 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आ जाइए, अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम, ये है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का बोल दीजिए, रीजनिंग का बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी जो लेम्स होती हैं, है ना, ब्रांच जो उसके लेम्स मतलब जो उसके साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन ने एक एक ये बनाया स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, सामने से होता है, पर जब हम स्क्वायर के पीछे वाली साइड भी बना देते हैं उसको 3D रूप दे देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। और इसकी सारी जो लेम्स होंगी ये सब एक बराबर होंगी, जैसे सामने से आपको 4 सेंटीमीटर की दिख रही होगी, तो ये वाली जो साइड से जा रही है ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये क्या है, यहाँ पर आपका एक क्यूब है जो छोटे छोटे स्मॉल 64 क्यूब से मिलकर इस एक बड़े क्यूब को बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल नॉट बी विजिबल इन एनी कंडीशन। तो इनमें से इस क्यूब में से कितने ऐसे छोटे क्यूब्स हैं जो किसी भी प्रकार से वो आपको नहीं दिखाई देंगे, चाहे पूरी तरीके से घुमा लीजिए। तो अब यहाँ देखिए, आपको ये टोटल क्यूब्स की संख्या मिली है 64 क्यूब्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कई बार होता है इसका क्यूब निकाल लीजिए या तो क्यूब नहीं आता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, तो आप इसको फ्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है। जैसे 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 6, और 1 कितनी 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से 1 कितनी बार जाएगा, 2 2 2 6 12, 2 से 8 बार, ठीक है। और ये 8 क्या होता है, 2 का ही क्यूब होता है, जब जैसे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आए हैं, ये 2 का ये क्यूब हो गया और 2 का ये क्यूब हो गया, है ना। तो 2 × 4 का ये क्यूब आ गया निकल कर एक तरीके से, तो इसकी जो साइड्स होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 4 साइड बना लेंगे एग्जाम के, 1 2 3 4, ठीक है, सीधी सीधी बनानी है, मेरी तो टेढ़ी बन रही है, आप टेढ़ी ना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 होंगी। अब आप यहाँ देखिए, हमारे पास भी सारी क्यूब्स आ गए, अब इसमें बीच की होंगी ये क्यूब्स, ये किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई देंगे, इसके पीछे वाली जो क्यूब्स होंगे। तो अब आप ये देखिए इस क्यूब में इस साइड में कितनी है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, यहाँ पर क्यूब्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ही क्यूब्स हो गए आपके सामने। इनके जस्ट पीछे के क्यूब्स होंगे, एक तो एक यहाँ पर होगा पीछे वाला एक, और दूसरा तो यहाँ पे भी 4 4 होंगे, तो बीच में जो क्यूब्स होंगे वो कितने होंगे, एक लाइन होगी 4 की और उसके पीछे की एक लाइन होगी 4 की, तो इसमें टोटल कितने, 8 क्यूब ऐसे होंगे जो किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई देंगे अंदर की तरफ वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए अपने जीके जीएस वाले क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। इनके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर तुरंत ही बता दूंगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है। आप वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। तो व्हाट इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च मिशन दक्ष, ठीक है। तो ये मिशन दक्ष आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EMRS के लिए, ठीक है। तो मिशन दक्ष टू सपोर्ट एकेडमिकली चैलेंज स्टूडेंट इन क्लास
3 to 8 इन गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स। तो ये कौन से स्टेट में ये चलाया गया मिशन दक्ष, ठीक है। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा 3 से 8 में शैक्षणिक रूप से अक्षम छात्रों का समर्थन करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन से राज्य के द्वारा ये मिशन दक्ष प्रोग्राम चालू कराया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या बिहार, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, बिहार, ठीक है। तो ये बिहार राज्य के द्वारा ये चलाया गया मिशन दक्ष, देखते हैं। देखिए 49, आपको और आंसर नहीं देखना है, ठीक है, आपको 49 ही देखना है। तो 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है, ठीक है, 49 ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार इंट्रोड्यूस मिशन दक्ष टू एड अराउंड 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट इन क्लास 3 to 8 ऑफरिंग स्पेशलाइज क्लास हिंदी मैथ्स एंड इंग्लिश स्टेट वाइज, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो मिशन दक्ष का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो छात्र जो बच्चे हिंदी मैथ्स और इंग्लिश में कमजोर हैं तो उनको क्या है इसमें दक्ष बनाना है, इसके लिए उनके लिए अलग से क्लासेस अरेंज की जाएंगी मिशन दक्ष के तहत, ठीक है। तो ये कहाँ चला, कौन से स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्टेट बिहार के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज ये क्वेश्चन नंबर 50 करिए, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस एन इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट उड़ीसा यूथ विथ डी डिमांड ड्राइवन वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है उड़ीसा के जो युवाओं को मांग संचालित व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो वोकेशनल एजुकेशन है व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने की पहल, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NHTI+ की आधारशिला किसने रखी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें याद ये रखना है कि जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो ये कौन से राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, उड़ीसा राज्य के द्वारा, उसके उनके जो युवा हैं उनको कौशल स्किलफुल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी आधारशिला किसने रखी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन से राज्य में ये चलाया जा रहा है, कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग कौन चला रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसको किसने, इसकी आधारशिला किसने रखी थी, देखो ना नरेंद्र मोदी ने रखी है, ना अरुणा ठाकुर ने रखी है, ना द्रौपदी मुर्मू, तो ये रखी है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे क्या है यूनियन मिनिस्टर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 50 का हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द NHTI+, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, या इनका इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो व्यवसाय के क्षेत्र में है ना, उड़ीसा के जो युवा हैं उनको क्या है स्किलफुल करना है, कौशल, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, विच ईस्ट अफ्रीकन कंट्री इज होम टू द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस एस्टेब्लिश बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास, ठीक है, भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन सा पूर्वी अफ्रीका देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT के द्वारा स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का घर है, ठीक है, घर है क्या। देखो IIT मद्रास जो है वो अपना एक कैंपस इनमें किस देश में जाकर खुलेगा, ठीक है, अपना कैंपस लगाएगा, तो ये कहाँ पर, तंजानिया के अंदर, केनिया के अंदर, मोजम्बिक्यू के अंदर या युगांडा के अंदर अपना एक कैंपस एस्टेब्लिश करने जा रहा है, कौन कर रहा है, IIT मद्रास कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं, तो जिसने ये पढ़े हैं उनको तो आता होगा, जिसने नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर, तो इसको वापस से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। हालांकि आपने अपने अलग कहीं से पढ़ा हो तो भी आप इसका आंसर जानते होंगे, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए जंजीबार तंजानिया के अंदर, जंजीबार क्या है, एक आइलैंड है तंजानिया के अंदर, वहाँ पर IIT मद्रास क्या होगा, अपना एक कैंपस एस्टेब्लिश करेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्या कह रहा है, IIT मद्रास हैज सेट अप इट फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस एट द जंजीबार आइलैंड इन तंजानिया, ठीक है। तो IIT मद्रास क्या करेगा, तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो भारत और तंजानिया के बीच वैश्विक शिक्षा, ग्लोबल एजुकेशन, ठीक है, को क्या करेगा, ये उसको एनहेंस करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, विच कंट्री
साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडिया, ठीक है, टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज इन नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में किस देश ने शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है किस देश ने किया है, यूएई ने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, कतर ने किया है, कुवैत ने किया है, बताइए। यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर या कुवैत के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा हमारे इंडिया के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिससे जो दोनों देशों की जो एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथ किया जा सके, स्ट्रेंथफुल किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, आज देखते हैं इसका आंसर। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। इंडिया एंड यूएई ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नवंबर 2023 के अंदर, हाल ही में ही किया गया है। ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है, पिछले ही महीने किया है, तो एग्जाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके EMRS एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको। ठीक है, तो ये अपने आप प्रकार का, ये पहली प्रकार का ये क्या है, इस तरीके का किसी गल्फ कॉर्पोरेशन, गल्फ कंट्री के साथ में हम इस तरीके का कॉपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों मिलकर क्या करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आज हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, 53। विच इंडियन टीचर वॉज नेम एज फाइनलिस्ट फॉर द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। ठीक है, तो किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए फाइनलिस्ट नामित किया गया है? दीप नारायण को, रंजीत सिंह दिसाले को, सोनम वांगचू को और अरविंद गुप्ता को। तो बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। विच इंडियन टीचर वॉज नेम एज फाइनलिस्ट फॉर द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। तो क्या होना चाहिए आपके साथ, मतलब आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? ठीक है, दीप नारायण, रंजीत सिंह दिसाले, सोनम वांगचू, अरविंद गुप्ता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीप नारायण। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या है, दीप नारायण। ठीक है, तो दीप नारायण को क्या है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। ये कहाँ से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको याद रख लेना। ठीक है, आज हम प्रश्न नंबर 54 करते हैं। विच स्टेट विल बी द लोकेशन ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? देखो ये भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, हमने ये आपको आज के जो लेक्चर कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें काफ़ी पढ़ाए हुए पहले से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस लेकर आया हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, आप भूल गए हो तो आप इसको याद रख पाए। ठीक है, तो विच स्टेट विल बी द लोकेशन ऑफ ए न्यूली अप्रूव्ड सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो जल्दी से बताइए, नव स्वीकृत सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड है? तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप इसका आंसर क्या है 10 से 15 सेकेंड में वीडियो को पोज करके जरूर लिखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ एस्टेब्लिश की जा रही है, तेलंगाना के अंदर एस्टेब्लिश की जा रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी लोकेटेड इन मुगलू डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्या है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जा रही है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज ये 55 करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित और बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी संस्थान है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल एंड एजुकेशनल हब फाउंडेड बाय द नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर एंड लोकेटेड इन बंगाल, है ना, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। तो शांति निकेतन, बोलपुर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी या नोबेल, नन ऑफ द अबोव।
तो जल्दी से इसका आंसर 10 से 12 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति निकेतन। ठीक है, तो ये शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो शांति निकेतन इज ए टाउन इन द वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया, फाउंडेड बाय द नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो ये वेस्ट भारती यूनिवर्सिटी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। शांति निकेतन बहुत इसको इनक्रेडिबल लिस्ट ऑफ यूनेस्को में, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की, उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया था 2019 के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको अच्छे से करके आना है, गलत नहीं करके आना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो हम जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर, ठीक है। तो जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया जाता है, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर। तो इनमें से कौन सी तारीख को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आंसर आपको बताता हूँ। देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर, 8 सितंबर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड बाय द सेप्टेम्बर 8 टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस लिटरेसी फॉर डिजिटल एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको कौन सेलिब्रेट करता है, ये यूनेस्को के द्वारा इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2023 की थीम है इसके लिए, तो वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको जो सेलिब्रेट किया था एज ए ग्लोबल रीजनल और लोकल लेवल पर इसको सेलिब्रेट करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा है, इंटरनेशनल के साथ में रीजनल लेवल और रीजनल के साथ में लोकल लेवल पर जो हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस जो 2023 की थीम है तो वो अच्छे से याद करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन बिल्डिंग फॉर द ट्रांजिशन बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज, ठीक है। तो ये इसको जो इसकी थीम है उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना, ठीक है। आंसर ना दिखे इसलिए मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को चेक कर लेता हूँ। नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो क्या खोल लिया मैंने, कैंसिल कर रहा, दिख रहा है, ठीक है, इसको वापस मिनिमाइज करते हैं। आ जाओ यहाँ पर 57 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बताइए छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो विच कंपनी हैज पार्टनर विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट एंड एजुकेशन। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि छात्रों और शिक्षकों के बीच जो एक क्रिएटिविटी रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने किसके साथ में पार्टनरशिप की है इन चारों में से, ये क्वेश्चन पूछा गया। गूगल के साथ की है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ की है क्या, एप्पल के साथ की है, अडोब के साथ की है, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से 10 से 12 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आंसर इसका बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अडोब के साथ में जो हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने ये साझेदारी की है जिसमें छात्रों और शिक्षकों को क्या करा जाएगा, एनरिच किया जाएगा, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एडोब एक्सप्रेस के उपयोग के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर दिग्गज एडोब के साथ साझेदारी की है जिसमें 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन का मतलब क्या होगा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 20 मिलियन में कितने बच्चे होंगे बताओ जरा, ठीक है। तो 20 मिलियन छात्र तथा 5 लाख शिक्षकों को कुशल मतलब स्कूल फुल बनाने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। किसके साथ की है, एडोब के साथ की है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
तो ये याद रखना है, ठीक है। आ जाओ 58 क्वेश्चन नंबर करते हैं। वैन डज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व लिटरेसी वीक इन 2023, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया शिक्षा मंत्रालय ने 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाया, ठीक है। तो आपको ये डेट बतानी है, साक्षरता सप्ताह की बात कर रहे हैं या वीक की बात की जा रही है, ठीक है। लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो साक्षरता सप्ताह कौन सा मनाया गया होगा, 10 से 15 सितंबर, 20 से 25 सितंबर, 1 से 8 सितंबर, या 1 से लेकर 5 सितंबर तक ये साक्षरता सप्ताह मनाया गया। बताओ जल्दी से कब मनाया गया, तो ये कब से कब हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया होगा, 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया गया। और लास्ट में क्या करते हैं हम, इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट कर लेते हैं 8 तारीख को। तो ऐसा ही किया गया होगा, है ना। तो यही किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ही करते हैं। 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहेगी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व लिटरेसी वीक फ्रॉम द 1 सितंबर टू द 8 सितंबर 2023 टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड प्रमोट लिटरेसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको याद रख लेंगे। हिंदी में पढ़ते चलो, शिक्षा मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने और भारत में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मनाया गया है, ठीक है। तो लिटरेसी डे याद हो गया, साक्षरता सप्ताह याद हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ 59 क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। विच स्टेटस हैज बीन कन्फर्म टू एनसीईआरटी बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है, पब्लिक यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, या ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर 10 से 12 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। ये इस पे स्टार मार्क करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि देखो, आज के जो लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी स्टार मार्क होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपकी प्रबल संभावना है कि वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब कितने भी पूछे जा सकते हैं, पर उनमें से पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये सार्वजनिक विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय, ये श्वेत महाविद्यालय, ठीक है, ऑटोनोमस कॉलेज। तो क्या कौन सा दर्जा दिया गया है, तो इसको दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर 59 का आंसर देखते हैं, तो देखिए 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी हैज बीन कन्फर्म्ड विद द स्टेटस ऑफ डीम यूनिवर्सिटी बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। दिस मीन्स द एनसीईआरटी विल नाउ हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट इट्स ओन डिग्री एंड डिप्लोमा, ठीक है। तो डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, एनसीईआरटी अपनी खुद की डिग्री और डिप्लोमा इशू कर सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, हिंदी में पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा डीम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है कि यह एक एनसीईआरटी के पास अब अपनी डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार होगा, ठीक है। अब तो ये याद रह जाएगा कि नहीं रख पाओगे याद। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, CBSE, ठीक है। ये तो देखो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी, ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये बताना है, और सीबीएसई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है ये बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों की एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो इन दोनों की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, जल्दी से इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये दो क्वेश्चन दिए आपको, ठीक है, बाकी तो सारे मैं ही कर रहा हूँ, तो आज आपको क्वेश्चन ही नहीं दे रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और 60वां क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 19 मेंबर नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी NSTC एस्टेब्लिश बाय द NCERT टू रिजॉल्व टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 3 to 12, ठीक है। तो कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए NCERT द्वारा स्थापित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति NSTC के अध्यक्ष कौन है, तो ये पूछा गया है ना। अब बताओ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है क्वेश्चन आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, पहले तो ये कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, कौन है इस कमेटी के चेयरमैन, किसको बनाया गया है, ठीक है। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसको संशोधन किया जा रहा है, उनके अंदर जो आपका जो सिलेबस है उसको कम किया जा रहा है, उसको
सिलेबस को इस तरीके से मॉडिफाई एनरिच किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लर्निंग पे फोकस करे ना कि रटने पर, ठीक है, उसको वो चीज़ समझ में आए, और जो एक्स्ट्रा बर्डन है फालतू की चीज़ें लिखी हुई उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बताइए, सुधा मूर्ति, संजीव सान्याल, शंकर महादेवन और एम सी पंत, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इस कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो देखिए, इसका आंसर मैं आप बताता हूँ, वैसे तो ये हो गया इस कमेटी का आंसर, तो चलो आप ही बता दो। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क करा दूँ मैं, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो ये 60 ही क्वेश्चन है इसमें, तो है ना, 60 क्वेश्चनों में से ये लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम सी पंत, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसको देखते हैं यहाँ पर, तो आंसर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एम सी पंत इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी NSTC एंड ही इज आल्सो चांसलर ऑफ द NIEPA, ठीक है। तो NIEPA की फुल फॉर्म बता सकते हो क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में? तो NIEPA के फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि इसके चांसलर और NSTC के चेयरमैन है, इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक, ठीक है, ये कक्षा याद रखनी है आपको, कक्षा कौन सी, कक्षा 3 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम में अमेंडमेंट किया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया जा रहा है, क्या जरूरी है उसको एड ऑन किया जा रहा है, और क्या फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, मुगल इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हटाई जा रही हैं इसमें से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछें, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा देखो, आप सब लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती और उसके साथ करें, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ करें। अब जो पढ़ रहे हैं ना, उसको कॉन्फिडेंस के साथ याद रखने की कोशिश करें कि जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उसको गलत नहीं करके आऊँगा ना करके आऊँगी, ये वाली मतलब आपके अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये वाली फीलिंग लेके जाएंगे एग्जाम में, तो आप याद रखना मेरी इस बात को, वहाँ पर आप 4 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा ही सही करके आएंगे, गलत करने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी और सही करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ इसी का ही खेल है कि आप एग्जाम से पहले कैसा फील करते हैं, किस तरह की एंजाइटी, आपने जो सिलेबस पढ़ा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो नोट्स बनाए वो उनका कितना आप रिविजन कर पा रहे हैं, कितना उनको लर्न याद रख पा रहे हैं। तो किताबों में लिखा हुआ ज्ञान और किताबों में लिखा हुआ ज्ञान आपके दिमाग तक चला जाए और फिर वो आप उसका एप्लीकेशन कर पाओ, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अगर इसको आप जीत लोगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। और अगर किताबों में लिखा हुआ ज्ञान है, वो सबके पास किताबें हैं, सभी के पास हैं, तो क्या वो सबके दिमाग में चला गया? नहीं, दिमाग में जाने के बाद क्या उसको याद पर रख पा रहे हैं? इसी चीज़ पर फोकस करना। अब याद कैसे रखें, कुछ ट्रिक बना लें, कोई सी भी छोटी छोटी मोटी उसका पहला वर्ड याद रखने की कोशिश करें। जैसे अपन यहाँ पर एम सी पंत की बात कर रहे हैं, ठीक है, एम सी पंत, एम सी पी, ठीक है, तो ये पंत हैं, पंत क्रिकेटर थे अपने, पंत है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एम सी महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, तो एम से नाम याद हो रहा है, ये इस कमेटी के चेयरमैन का नाम क्या है, एम से याद रखना है, ठीक है, मतलब ऐसे एक मन में सोच रहे हैं कि भाई एम सी पंत है ना, 3 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर क्या हो रहा है, संशोधन कर रहे हैं, उसके चेयरमैन है, इस तरह के याद रखने की कोशिश करेंगे आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब मैं क्या, मैं तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप चाहो तो आप अगर कमेंट में लिख के बताओ, सर याद करने की ट्रिक भी बताते जाएगा साथ में, तो वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, पर आपको वो चीज़ भी याद हो जाएगी क्लास में, ठीक है, तो वो भी कर की जा सकती है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अब ये तो खुद ही याद रख लोगे ना, इसमें क्या ट्रिक बनाएंगे अपन, NCERT को कौन सा दर्जा दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट में चलते हैं फिर, है ना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक तो करते नहीं, इसका मतलब ये है कि वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर जिनको आ रहा है वो तो लाइक करते हैं, और जिनको नहीं आता है तो फिर उनसे तो क्या ही कहें, ठीक है, हालांकि मेहनत तो बहुत लगती है पर नहीं समझते बच्चे, ठीक है। चलो, आप सब लोग अपनी तैयारी करो बहुत अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट हो वो पूछा जा सकता है ना, पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ क्या है, ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रही है, यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें, विदिन 2-3 आवर्स हम उसका सॉल्यूशन आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।